हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और भैया, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं ऑल्टो K10, जो आपके सामने पड़ी है। नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट है, और बात करूँ तो कौन सा है ये है भाई, नीचे से ऊपर वाला वेरिएंट, मतलब बेस नहीं है, ये है सेकंड बेस वेरिएंट, जो कि हमारे सामने कुछ ऐसा है। सबसे पहले बात करें इसकी डायमेंशन की, लंबाई की बात करेंगे 3445, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 1490। तो ये कुछ इस तरीके की, और जैसे भैया अभी वैगनार के टाइप की लगती है, थोड़ी सी लंबी लंबी। तो हाइट की बात करते हो 1475 mm, मतलब जितनी चौड़ी है उतनी ये लंबी आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें भाई इसकी, तो ये आप देख रहे होंगे, ये विपुल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड तो यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। बात करें पश्चिम विहार में रेडिसन होटल के अपोजिट में है भैया शोरूम, यहाँ पर आकर आप इसे इजिली ले सकते हैं। बात करें गाड़ी की, सबसे सामने आपको मिल जाएगा सुजुकी का लोगो, ओपन ग्रिल कुछ इस तरीके की यहाँ ग्रिल देखने को मिलेगी आपको। साथ में हम बात करें ये लाइट, लाइट देखोगे तो नॉर्मल हेलोजन के ही लैम्प मिलेंगे, लो बीम हाई बीम साथ में मिल जाएंगे, साइट्रन इंडिकेटर। सामने की तरफ से ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का, फोग लैम्प भाई इसमें नहीं आते किसी भी वेरियंट में। इंडिकेटर की बात करोगे वो साइड में आपको फेंडर पे ही दिखेंगे इसके, जो कुछ इस तरीके के कंपनी में दिए हैं। नीचे बात करें टायर की, तो स्टील रिम देखने को मिलेंगे, जेके के टायर हैं। टायर अगर प्रॉपर उसके यूनिट की बात करूं तो ये दिए हैं 145 ATR 13, 13 इंच के टायर देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर 145 सेक्शन के। एसेसरी के तौर पे जैसे आप देख सकते हो, इस वेरिएंट के अंदर आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाएगी, जो ये वाले हैं ये मिलेंगे आपको एडजस्टेबल, जो कि अंदर से ही हो जाएंगे तो बाहर से करने की जरूरत नहीं होगी। डोर की बात करें तो भाई डोर के जो हैंडल हैं वो दोनों के दोनों बॉडी कलर देखने को मिलेंगे, साथ में मिल जाएगा आपको ये एसेसरी का पार्ट होता है रेन वाइजर, आगे पीछे और ये क्रोम वाले आपको देखने को मिल जाते हैं इनके एसेसरी में। ABC तीनों पिलर बॉडी कलर दिए गए हैं, क्रोम की बाकी को यहाँ पर लाइनिंग नहीं मिलती। ये आ गया इसका फ्यूल पंप, फ्यूल पंप की बात करें 35 लीटर की कैपेसिटी, अंदर से ओपन होता है बाहर से नहीं। पीछे भी सेम 13 इंच के टायर देखने को मिलेंगे, जेके के टायर हैं, स्टील रिम साथ में व्हील कवर के साथ। अब बैक लुक में आएंगे, तो बैक लुक की बात करें तो ये है वही कुछ इस तरीके का इसका टेल लैंप, जो कि प्रॉपर चेंज हो गया है, साइट्रन इंडिकेटर, बैक लाइट और ये टेल लाइट जो कि स्टॉप लाइट होती है। पीछे आपको नीचे भी कोई क्रोम व्रोम देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल बेसिक सा। दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, ऑल्टो K10 की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो। या तो आप इसको चाबी से ओपन कर लो या फिर अंदर से ओपन कर लो, नीचे यहाँ पर बटन नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर। भाई पीछे वाले विंडशील्ड की बात करेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइजर डिफोगर कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ना वाइपर वॉशर ना डिफोगर। अगर आप बात करोगे ऊपर वाले एंटीना की, तो एंटीना नॉर्मल देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल वाला एंटीना इस वेरिएंट के अंदर दिया है। तो ये था भाई इसका बेस। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ और बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो सबसे पहले यहाँ देखो बूट स्पेस, पार्शियल ट्रे वो आपको मिल जाएगी जब गाड़ी लोगे, ये लाइट के साथ दिखा दूं। तो ये है इसकी बूट स्पेस। बूट स्पेस की बात करोगे विदाउट CNG में 241 लीटर का बूट मिलता है, और CNG वाली में मिलता ही नहीं। इसको ओपन करूं मैं तो अंदर ये मिल जाती है इसकी स्टिफनी, 145 ATR 13, सेम साइज की स्टिफनी स्टील रिम के साथ हमें देखने को मिल जाती है, और ये भी जेके का टायर ही कंपनी ने दिया है। तो भाई 250 लीटर के आसपास 241 लीटर का बूट कवरिंग के साथ, जो ऊपर कवरिंग है साथ में हाइड्रोलिक स्टड्स, तो ये सारी चीजें काफी अच्छी इस कार को, छोटे छोटे फीचर से लेकिन काफी ठीक ठाक इसको बना देते हैं। इसको करते हैं, ये कर दिया हमने बंद, अब चलते हैं आगे। अंदर चलने से पहले बात करेंगे इसकी चाबी की, ये रही हमारे पास इसकी चाबी। भाई रिमोट सेंसिंग डोर लॉक इसके अंदर नहीं आते, नॉर्मल दो की मिलेंगी कुछ इस तरीके की, कोई रिमोट सेंसर यहाँ पर नहीं मिलता। हमने ओपन की इसकी विंडो, खिड़की काफी वाइड ओपन हो जाती है, आगे वाली खिड़की बड़ी भी दी है। साथ में ब्लैक कलर का मिल जाएगा इसका डोर हैंडल, जो कि अंदर से ओपन होता है, सॉफ्ट टच कहीं नहीं, पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का मिलेगा ये। नीचे की तरफ बात करोगे तो ये आपको मिल जाएगा इसका, ये देखो ये मिल जाएगा इसका बोतल होल्डर। वहां बात करोगे तो वहां देखने को मिलेगा आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट रखने की जगह, साथ में मिल जाएगा स्पीकर ग्रिल जो कुछ इस तरीके का दिखता है, और एडजस्टमेंट जो मैं बता रहा था वो कुछ इस तरीके से आप डंडों से अंदर से एडजस्टमेंट करोगे। भाई सीट की बात करें तो सीट कुछ इतनी बड़ी और काफी ठीक ठाक सीट देखने को यहाँ मिल जाएगी, बाकी अगर और कोई फीचर्स हैं वो यहाँ पर होते तो यहाँ पर वो नहीं है। AC वेंट आपको यहाँ दिए, बाकी बातें करते हैं गाड़ी के अंदर चलने के बाद।
हम आगे भाई गाड़ी के अंदर सबसे पहले बात करें स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट तो आपको नहीं मिलती, दो एयरबैग मिल जाते हैं, एक यहाँ एक वहाँ, दो एयरबैग का सेटअप आता है, सुजुकी की ब्रांडिंग, कोई भी कंट्रोल्स यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। वाइपर कंट्रोल वहाँ है और यहाँ इसके नॉर्मल वाले कंट्रोल जो कि आपके होते हैं हेडलाइट्स के। और भाई ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पर सामने की बात करते हैं, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको देखा देखा सा लगा होगा जो आता है लोड एस्प्रेसो में। इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इग्निशन ऑन होने के बाद इसमें दिख जाता है। एस्प्रेसो में वहाँ बीच में था, यहाँ इसने लगा दिया साइड में। अंदर की बात करूँ तो यहाँ एक छोटी सी MID साथ में ये मिल जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले, डिस्प्ले तो क्या है ऐसे ही बोल सकते हैं इसे। ये आपको ABS की ब्रांडिंग यहाँ ये मिल जाएगा, सीट बेल्ट वार्निंग, हैंड ब्रेक वार्निंग, और ये छोटी सी जो MID है इसके अंदर आपको टाइम, ओडोमीटर और फ्यूल मीटर ये तीन देखने को मिलते हैं। ऊपर मिल जाएगा आपको स्पीडोमीटर, साथ में जो इंजन टेम्परेचर लाइट है, साइटर्न इंडिकेटर है, वो सारे जैसे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को इसकी मिल जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास सारी चीज यहाँ पर, ये इसके बाकी फंक्शंस की लाइट, ये सारी चीजें थी। यहाँ बात करेंगे इस साइड तो यहाँ पर दिए इसके AC वेंट जो कुछ इस तरीके के हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात करें, टू डिन का म्यूजिक सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है जो भी कुछ इस तरीके का है। यहाँ से आप ट्यून सेट करोगे, यहाँ से इसकी वॉल्यूम, और अगर कुछ होगा तो नहीं, अभी कुछ नहीं है भाई। तो स्पीकर इसके अंदर लगे, आवाज़ आपने सुन ली तो स्पीकर आते हैं। यहाँ बात करोगे तो ऑक्स का और USB टाइप पे वो मिल जाएगा, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो कुछ चेंज करने के लिए। मेन्यू डिस्प्ले मोड, फोन उठाना काटना, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। दोनों पावर विंडो यहाँ मिल जाएंगी, हजार्ड स्विच आपको मिलेंगे यहाँ पर। नीचे आते हैं, ये मिल जाएगा नॉर्मल वाला AC जो कि पूरे कनेक्शन वही पुरानी गाड़ियों की तरह देखने को मिलेंगे। नीचे सर्कुलेशन सेट करने के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट ये खाली है, वहाँ कुछ सामान रखने की जगह, दो कप होल्डर, 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पर भी कुछ सामान रखने की जगह, ये मिल गया इसका हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट इसके अंदर नहीं आता। ये कुछ नॉर्मल फीचर इसकी बात करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ ओनली टिकट होल्डर, और यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, खाली स्पेस है और कुछ नहीं है, एयरबैग की ब्रांडिंग है। लाइट की बात करूँ तो लाइट मिलती है हैलोजन के अंदर, IRVM नॉर्मल वाला है, बाकी और कुछ इसके अंदर नहीं है। AC वेंट वहाँ है, SRS एयर की बैक ब्रांडिंग यहाँ, और ये मिल जाएगा इसका ग्लब बॉक्स। ग्लब बॉक्स की बात करोगे, ग्लब बॉक्स नॉर्मल देखने को मिलेगा, कूलेंट कूल वूल कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके का। सीट की बात कर रहे थे भाई, सीट आगे वाली पायलट सीट है, काफ़ी अच्छी है। अब इसको सेट करके चलता हूँ पीछे, बाकी स्पेस की बात करेंगे कि अल्टो में स्पेस कितना मिलता है। 3.5 meter से भी कम की है ये कार। और जैसे मैं क्लच कंपेरिजन करता था तो क्लच देखो तो भाई क्लच काफ़ी लाइट है, लेकिन टियागो जितना नहीं है। ये है इसका पीछे वाला डोर, ये भी 90 degree ओपनिंग होता है, काफी वाइड हो जाता है, अच्छी चीज है। और यही पुराने वाला स्टाइल आज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करोगे सेम वही मिलेगा, ब्लैक कलर का डोर हैंडल, ग्रैब हैंडल यहाँ, बाकी कुछ नहीं है। स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती, ग्रिल मिलेगी आपको, स्पीकर इसमें लगवाना पड़ेगा पीछे की तरफ, क्योंकि आगे इसमें दो स्पीकर ही मिलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं तो भाई ठीक ठाक लग रही है मेरे को सीट, बेंच टाइप की सीट है, डिपार्चर एंगल भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो बैठ के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। बाकी सेफ्टी के लिए 3-pin सीट बेल्ट इसके अंदर दे दी गई है, बैठना काफ़ी आसान है, मैंने बताया टोल बॉय वाली लुक इसको दे दी है भाई कंपनी ने, वैगनार की तरह। यहाँ बात करते तो इतना सारा नी रूम 5-8 के बंदे के लिए, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है उल्टो के अंदर 3.5 meter के अंडर होने के बावजूद भी। लेग रूम काफ़ी बेस्ट है। हाई सपोर्ट की बात करोगे तो यहाँ थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाएगी आपको, लॉन्ग राइड पे 5-6 से ऊपर के बंदे इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। हाँ सीट की बात करूँ, सीट का कुशन बहुत अच्छा है, और जो आप बैठते हो ग्रिप देती है सीट वो काफ़ी अच्छी है। जो डिपार्चर एंगल है वो ठीक है, लॉन्ग राइड कर सकते हो, लेकिन थाई सपोर्ट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हम्प की बात करें तो हम्प है, लेकिन ये 4 आदमी ही बैठ पाएंगे क्योंकि इतनी चौड़ी ये कार नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ ग्रैब हैंडल नॉर्मल वाले देखने को मिलेंगे, ये आपको पकड़ने के लिए नॉर्मल वही, और क्वालिटी हम जानते हैं कैसी होती है, तो उसको देख लेना भाई आप। पीछे से बैठ के देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड का लुक आता है ऑल्टो K10 का।
सारी चीज मैंने दिखा दी, अब चलते हैं इसके बोनेट में और इंजन की बात करेंगे। ये रहा भाई इसका इंजन, बोनेट हमने ओपन कर लिया। 1000 cc का इंजन है, 3 सिलेंडर वाला। पावर फिगर की बात करें तो 69 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क ये निकाल के देती है हमें इस इंजन के साथ। CNG में आओगे तो आपको 55 के आसपास का पावर मिल जाएगी, 55 छप्पन के आसपास की पावर। ABS EBD दोनों इसमें स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। इंजन गार्ड वो आप लगवा लेना, और 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आती है भाई। जैसे मैंने अंदर सेफ्टी की बात करी तो 2 स्टार की ये सेफ्टी रेटिंग लेके आ जाती है। ये इसका इंजन बे है पूरा जैसा मैंने आपको दिखाया। वाइपर वॉशर यहाँ मिलेंगे, कपड़ा ये भी नहीं देते टाटा की तरह, पोस्ट कटिंग यहाँ कर देते हैं। बाकी इंजन रिफायरमेंट है ये सारी चीजें होगी ऑल्टो K10 की। तो भाई ये थी हमारे पास ऑल्टो K10, और जैसा मैंने आपको बताया अगर आपको खरीदनी है तो ये मैंने आपको बता दी विपुल मोटर्स का ये शोरूम है रेडिसन होटल के पास पश्चिम विहार में, यहाँ पर आकर आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, गाड़ी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। लगातार ऐसी ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ऐसी ऐसी वीडियो के साथ आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।